हमसे बड़ा शांति का मानने वाला कौन होगा? और वो शांति जिस शांति ने हमें सफलता भी दी, पूरी दुनिया के अंदर बुद्ध का आंदोलन फैला हुआ है। अगर दुनिया के अंदर समानता आई तो बुद्ध के आंदोलन से शुरुआत के कारण आई। अगर स्वतंत्रता आई इसका श्रेय भी महामानव बुद्ध के मिशन को है। लड़के लड़की का अंतर हो, चाहे साइंटिफिक टेम्परामेंट हो, कोई भी ऐसी चीज जो आधुनिकीकरण के अंदर आज अपेक्षित है, किसी भी तरह का पिछड़ापन, किसी भी तरह का परंपरावाद, किसी भी तरह की गुलामी बुद्ध के आंदोलन में समर्थित नहीं होती। हमको इतना परफेक्ट आंसर कहाँ मिलेगा? ज्योतिबा फुले जिन्होंने राह दिखाई कि हम हर गुलामी की जंजीर को शिक्षा के माध्यम से काट सकते हैं। सावित्रीबाई फुले ने बताया कि हम अपनी बच्चियों को पढ़ाकर जो हमारी अनटचेबिलिटी, जो बैकवर्डनेस, जो इस देश के अंदर गरीबी की हालत है, पिछड़ेपन की हालत है, उसको हम शिक्षा के माध्यम से पूरी कर सकते हैं। सवाल का जवाब तैयार है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने वो सारा आंदोलन सफल कर दिया और एक ही झटके में संविधान बनाकर आपको राइट टू वोट दिया, आर्टिकल 326 में फंडामेंटल राइट दे दिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी दे दी। सरकारें आएंगी जाएंगी, नेता आएंगे जाएंगे, लेकिन संविधान अमर है और संविधान रहेगा।